Not yet. क्या हो रहा है ये? हाँ पार्टी डांस नहीं करना है, एहसान नहीं कर रही हैं आप मुझ पर। करना तो ढंग से कीजिए, करना चाहिए ना, प्लीज करना ढंग से। आई शाबाश। चलिए चलिए शाबाश। हाँ क्या बात है, वेरी गुड। तुम यहां शोरी ठीक तो है ना? सो रहा है। He's okay. बस मेरी नींद टूटी थी तो I was feeling restless, तो तुम दोनों को देखने चला आया। उर्मी कहाँ थी तुम और इतना थकी थकी क्यों लग रही हो? थोड़ी घबराहट सी हो रही थी ईशान, इसलिए नीचे टहलने चले गए थे। मेरी फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया, चिपका ले सैया फेविकॉल से, फेविकॉल से। सम्राट, तुम सुबह से यही गाना क्यों गुनगुना रहे हो? अटक गया क्या तुम्हारे अंदर? अब क्या बताऊं बेबी डॉल, बड़ी ही जबरदस्त याद जुड़ी है इस गाने के साथ, बस तभी से ऑटो प्ले मोड पे चला गया है। जैसी याद आती है उसी वक्त हमारी जबान पे ऑटोमेटिकली गाना प्ले हो जाता है। नहीं हम लड़ाएंगे बेबी डॉल से। बताओ ना। अरे है कुछ, क्या हुआ ना बेबी डॉल की कल रात। अरे क्या कर रही हो उर्मी? माफी जी सॉरी। क्या कर रही हो, जलाऊंगी क्या? अरे आराम से बैठ, क्या 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 कर रही है आराम से? केयरलेस, ऐसी इतनी काली हूँ और काला करने का इरादा है तुम्हारा? सही बात है। अरे ठीक है ना, हो जाता है, सॉरी बोल दिया। भाभी शौर्य कह रहा है कि वो पकौड़े खाएगा। रति हम उसे पकौड़े नहीं दे सकते ना, डॉक्टर ने ऑयली खाने मना किया, हम कुछ और भिजवा दें। हाँ आई नो भाभी, मैंने उसे समझाया बट वो मान ही नहीं रहा है। दे दो ना उर्मी, शौर्य को जो भी खाना है। नहीं मैंने ऐसा सुना है कि मरने वाले की हर एक इच्छा पूरी करनी चाहिए।
शौर्य जिंदा है तब तक उसका जो मन है उसे खाने दो ना। तानी तानी यू आर क्रॉसिंग ऑल द लिमिट्स नाउ। बदतमीजी की भी हद होती है। इतनी घटिया और क्रूअल बात करते हो तुम्हें शर्म नहीं आई? रिश्ते नातों की कदर तो तुम्हें कभी थी ही नहीं, अब क्या इंसानियत नाम की चीज भी मर गई है तुम्हारे अंदर से? पापा बात इंसानियत की नहीं, बात सच्चाई की है और जो मैं बोल रही हूँ वो सच ही है। अब सच कड़वा है तो मेरी क्या गलती है इसमें? ऐसा कड़वा सच बोलने की हिम्मत तुम में सिर्फ इसलिए है तानी क्योंकि अभी तक तुम्हारी कोई औलाद नहीं हुई है। और अगर हुई होती तब तुम्हें उर्मी का दर्द, एक मां का दर्द और उसकी पीड़ा समझ में आती। पापा मुझे ना कोई दर्द वर्द नहीं समझना है, और मैं कोई डॉक्टर थोड़ी ना पहले दर्द समझूं फिर उसका इलाज करूं। इतनी पत्थर दिल मत बनो तानी और ऐसी दिल दुखाने वाली हरकतें ना करो कि ऊपर वाले को एहसास हो जाए कि तुम मां बनने के लायक ही नहीं हो। और कल को भगवान ना करे तुम बे औलाद ही रह जाओ।